जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 2nd ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर्स। यहाँ पे अपन कवर करेंगे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड बेहद इंपॉर्टेंट आपकी न्यूज यहाँ पे मैं कवर करवाने की कोशिश करूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आपके 100% करंट अफेयर्स यहाँ से सॉल्व हो। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है वो है, विच स्टेट इज द वर्स्ट परफॉर्मर इन मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट। इसको अपन बोलते हैं MMR, MMR भी बोलते हैं, मातृ मृत्यु दर भी बोला जाता है इसको। तो अगर आपसे पूछे कि वर्स्ट परफॉर्मर कौन रहा है तो आपका जवाब होगा सर असम। सेकंड पे कौन रहा है? सेकंड पे रहा मध्य प्रदेश। थर्ड पे रहा कौन? उत्तर प्रदेश। और जो टॉप परफॉर्मर रहा वो कौन है? टॉप परफॉर्मर आपको पता है, केरला। ठीक है, केरला। तो अब मैं आपको दो तीन चीजें इसमें कवर करवाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम पूरे ओवरऑल इंडिया की बात करें, ओवरऑल इंडिया के परफॉर्मेंस की बात करें, तो इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया। इंडिया में सिर्फ 97 पर डेथ्स होती हैं पर लैख। एमएमआर कितना है यहाँ पे? 97 डेथ्स पर लैख। अगर मैं ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड की बात करूं तो कंट्री वाइज में जो वर्स्ट परफॉर्मर है वो है साउथ सूडान, साउथ सूडान। ठीक है, दो तीन चीजें आप ध्यान रख सकते हो। फिर अगर कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स अपन देख लेते हैं, तो अगर अपन बात करें यूपी की, यूपी में 167 डेथ्स हैं और एमपी में 173 डेथ्स हैं। ठीक है, तो आप ये दोनों चीजें ध्यान रख सकते हो, बाकी आपको फिगर्स याद नहीं रखना है। एक चीज और बताता हूं मैं, केरला, केरला में कितना है? केरला में सिर्फ 19 डेथ्स हैं पर लैख, ओनली 19 डेथ्स हैं पर लैख। इसलिए ये टॉप परफॉर्मर स्टेट बना है एमएमआर का। आपको और कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस एक वर्स्ट का याद रखना है, केरला ने टॉप किया है। और अगर आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आपके स्टेट्स का पता होना चाहिए, एमपी और यूपी, अगर आप अलग अलग स्टेट्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये ऑब्जर्व किया जाता है 2nd ऑफ दिसंबर को। क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? ये ऑब्जर्व किया जाता है टू कॉमेमोरेट देयर द प्रीशियस लाइफ दैट वर लॉस्ट इन द भोपाल गैस ट्रेजिडी। जो भोपाल गैस ट्रेजिडी में जिनने अपनी लाइफ लॉस्ट करी थी, उनके लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो कब हुई थी, कब हुआ था भोपाल गैस ट्रेजिडी? ये हुई थी 1984। ठीक है, अब मुझसे आप पूछोगे सर ये क्वेश्चन बहुत आता है कि कौन सी गैस लीक हुई थी, तो मैं आपको बताता हूं, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये तो बहुत सब लोगों को पता होगा, ठीक है। लेकिन अगर इन केस ऐसा क्वेश्चन आ जाए, विच लेक विच मिथाइल आइसोसाइनाइड केमिकल फॉर्मूला, चलो तो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? उसका केमिकल फॉर्मूला है C2H3NO। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इस चीज को याद कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, अब ये बताता हूं मैं आपको, ये गैस कैसी है? ये गैस है कलरलेस, ये गैस है ऑर्डरलेस, ठीक है, ये गैस है हाईली फ्लेमेबल गैस है एक तो ये। और ये कहाँ पे यूज होती है? ये यूज होती है प्रोडक्शन ऑफ पेस्टिसाइड्स में, प्रोडक्शन ऑफ पेस्टिसाइड्स। ठीक है, अगर मुझसे कुछ प्रोनंसिएशन या कुछ लिखने में या कुछ राइटिंग में गलती हो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। ठीक है, चलो हाथ भी जोड़ लेते हैं आपसे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री अज्यूम द यूएनएससी प्रेसिडेंसी? ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली अभी G20 की भी प्रेसिडेंसी इंडिया ने ली, ठीक है, मिली, और अब मिलने वाली है, अब अज्यूम करी इंडिया ने कौन सी? यूएनएससी की। तो चलो इसमें क्या देखते हैं, इट इज द सेकेंड टाइम, अरे सेकेंड टाइम है ये, ठीक है, इट इज 2 ईयर टेन्योर एज इलेक्टेड मेंबर एज यूएनएससी। ये सेकेंड टाइम है, तो अब आप मुझसे पूछोगे सर फर्स्ट टाइम कब था? फर्स्ट टाइम था अगस्त 2021। ठीक है, आप ये दोनों चीज ध्यान रख सकते हो। अब मैं एक चीज और बताता हूं, यहां से ना क्वेश्चन पक्का आएगा, ये जो मैं चीज बता रहा हूं आपको, ये चीज है आपकी G4 कंट्रीज। G4 कंट्रीज बहुत न्यूज में रहती है हमेशा, जब भी ऐसी कोई बात होती है, तो ये आपके लिए यूपीएससी कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। ठीक है, अब यूएनएससी में कितनी कंट्रीज हैं? G4 कंट्रीज में कौन कौन सी है? G4 में है अपनी ब्राजील,
इंडिया, जर्मनी, जापान। ठीक है, अब G4 कंट्रीज कब फॉर्म हुआ था? ये हुआ था 2005 में। ये इसका मकसद क्या है, इसका एम क्या है? देखो, अगर आपके पास परमानेंट सीट नहीं है किसी के पास, तो ये एक दूसरे को हेल्प करती हैं, ये चारों कंट्रीज, की इनमें से परमानेंट सीट मिल जाए किसी को। तो ये क्या करती हैं, सपोर्ट ईच अदर फॉर परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट लेने के लिए ये G4 कंट्रीज का ग्रुप बना था। अब आप मुझसे ये पूछोगे, सर अच्छा हुआ, चलो आपने ये तो बता दिया कि कौन कौन सी हमें कंट्रीज अभी G4 में हैं, बट आप मुझे ये बता दो कि परमानेंट कंट्रीज कौन कौन सी हैं UN में। तो चलो वो भी बता देते हैं आपको। परमानेंट कंट्रीज है अपनी पांच। ठीक है, एक तो अपनी चाइना, ठीक है, अपना एक दोस्त फ्रांस, ठीक है, अपना एक दोस्त रशिया, जो दोस्त है या नहीं मतलब है ही, ठीक है, अपना एक दोस्त UK और एक US है। ठीक है, ये पांच कंट्रीज हैं अपनी काय में UN में। ठीक है, तो बस इसमें आपको और चीज कुछ ध्यान नहीं रखना है। आप मुझे बताओ कि UNSC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये तो बता ही सकते हो आप। चलो इसमें और कुछ ध्यान नहीं रखना है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, विच कमिटी इज रिलेटेड टू प्राइसिंग ऑफ नेचुरल गैस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेगेसी फील्ड्स हेडेड हु। ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कमिटी से रिलेटेड ही आ सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। कीर्ति पारिक, कीर्ति पारिक। ठीक है, ये क्यों होगा, ये क्यों किया है? जो प्राइसिंग ऑफ नेचुरल गैस है ना, जो लेगेसी फील्ड्स में से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो उसके लिए ये कमिटी बनाई गई है। तो सागर गुप्ता ये कोई नहीं है, ठीक है, सिर्फ कीर्ति पारिक। अमिताभ कांत कौन है? अमिताभ कांत है, आपको याद रखना है, G20 शेरपा, G20 शेरपा। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ G20 शेरपा की मीटिंग जो कहाँ पे होगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके सामने, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन। ये रिसेंटली इलेक्ट हुआ है, इनका नाम है प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार जी ये CEO है साउथ एशिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के, तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रशांत कुमार जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेहद इंपॉर्टेंट, आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मिलिट्री एक्सरसाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो द 12th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर कमेंस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो आपको याद रखना है, इंडिया और कौन सी कंट्री के साथ होता है ये युद्ध अभ्यास, ये युद्ध अभ्यास होता है। अग्नि वॉरियर किसके साथ होती है मिलिट्री एक्सरसाइज? ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है सिंगापुर के साथ। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और, ये कहाँ पे हुई है, ये कहाँ पे कंक्लूड हुई है, ये हुई है महाराष्ट्र में। ठीक है, आप ये ध्यान रख सकते हो, महाराष्ट्र में। ठीक है, अब मैं आपको पांच कुछ ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज बताऊंगा जो रिसेंटली अभी हुई है, और इसके लिए एक आर्टिकल आया था द हिंदू में, मैंने आपको वो शेयर भी करा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, उससे अपन को समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर ने भी वो आर्टिकल पढ़ा ही होगा। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला है अपना युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास किस किस के बीच में होती है? ये होती है इंडिया और US के बीच में। कहाँ पे हुई थी? औली उत्तराखंड में, औली उत्तराखंड में। सेकेंड, एक्स ऑस्ट्र हिंद, ऑस्ट्र हिंद किसके बीच में होती है? ये होती है अपनी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी राजस्थान बीकानेर में, महाजन फील्ड में। थर्ड, हरिमो शक्ति, हरिमो शक्ति किस किस के बीच में होती है? ये होती है अपनी मलेशिया और इंडिया के बीच में। बस ये याद रखो आप, बाकी मैं मिलिट्री एक्सरसाइज आपको पूरी करवा दूंगा। फिफ्थ, एक्स गरुड़ा, ये एक्स गरुड़ा ये किस किस के बीच में होती है? इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में। एक्स कजिंद, एक्स कजिंद किसके बीच में होती है? कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में। तो आप अपने नोट्स में ये सारी एक्सरसाइज लिख लेना, यहां से एक डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनेगा, और मैं पूरा एक मिलिट्री एक्सरसाइज का वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। चलिए सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट साइंस डॉक्यूमेंट्री इज इन संस्कृत स्क्रीन एट 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर आपसे मैं बात करूं तो ये कौन सा एडिशन था IFFI का? तो वो था 53rd। और कौन सी संस्कृत डॉक्यूमेंट्री यहाँ पे हुई है? उसका नाम है यनाम, यनाम। पहला ही ऑप्शन है इसका, यनाम।
तो आप ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ये किस पे बेस्ड है? ये माय ऑडिसी एक बुक है, उस पे बेस्ड है, ऑटोबायोग्राफी है। इसको लिखा किसने है? डॉक्टर के राधाकृष्ण, जो फॉर्मर स्पेस चेयरमैन थे मंगलयान मिशन के। तो आप ये चीज भी ध्यान रख सकते हो। यनाम याद रखना, संस्कृत डॉक्यूमेंट्री है, फर्स्ट साइंस डॉक्यूमेंट्री, ठीक है। अब मैं एक चीज और बताता हूं। चलो, अगर आपसे इफ्फी का कभी पूछ लें, IEEFI का, कि ये का कौन होस्ट करता है, कौन सा स्टेट होस्ट करता है, तो आप बोलोगे सर गोवा, ठीक है, हमेशा ही गोवा करता है। ये ध्यान रखना, कब से होस्ट कर रहा है? कब से ये चल रहा है इवेंट? 1952 से, ठीक है। हाँ, शायद 1952 से, एक बार आप चेक करना, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि फोकस कंट्री कौन सी थी इस बार की 53rd एडिशन की, तो आप बोलोगे सर अपना फैमिली, अपना फ्रेंड, फ्रांस, ठीक है। अब आप मुझसे पूछोगे सर जो बेस्ट मूवी, आप वो भी बता दो तो अच्छा रहेगा। बेस्ट मूवी मिली है, बेस्ट मूवी किसको दी है? बेस्ट मूवी यहाँ की नहीं है, ये है कोस्टा रिका की, ठीक है, कोस्टा रिका की है। ये है अपनी आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रेस, मूवी का नाम ही बहुत अच्छा लगा मेरे को, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रेस। तो आप ये ध्यान रखना, कोस्टा रिका का कैपिटल क्या बताया था मैंने आपको? सेंट जॉस, कल ही बताया था आपको, आप वीडियो में देखना, कोस्टा रिका का, जिसमें अपनी जो फर्स्ट रेफरी है वो करेंगी, वुमेन रेफरी, उसका आप मुझे वो बताओ कौन, क्या नाम है उनका, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आप यह नाम याद रखना, बाकी और कुछ इसमें याद रखने के लिए नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको जो चीजें फैक्ट बताई है। और जो इसके बेस्ट एक्ट्रेस एक्टर रहे हैं वो इसी मूवी के हैं, उनका नाम है डेनियल डेनियल नोवाका, ये इराक वगैरह के हैं। तो आप ये चीज एक बार देख लेना, बाकी और कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते, 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। नाई चेतना कैंपेन किसने लॉन्च किया है, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? आपने CDS, NDA वगैरह इन सब में देखा होगा कि मिनिस्ट्री से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, तो आपको ये वाले क्वेश्चंस अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है? ये किया है अपना मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने किया है नाय चेतना कैंपेन, ठीक है। ये क्या करेगा? ये प्रिवेंट वायलेंस एंड मेकिंग देम अवेयर, ठीक है, क्या करेगा? वुमेन को क्या करेगा? वायलेंस से बचाएगा और मेकिंग देम अवेयर, अवेयर करेगा उनको, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है, बाकी और कुछ ध्यान नहीं रखना है। द 7th एडिशन ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, तो ये कहाँ पे होने वाली है? ये होने वाली है, ये हुई है कहाँ पे? ये हुई है अपनी न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसकी थीम आप याद रख सकते हो, जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये आप याद रख सकते हो, बस इसमें और कुछ याद नहीं रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉज रिसेंटली क्राउन्ड द टाइटल ऑफ मिस अर्थ 2022, किसने जीता है मिस अर्थ 2022? ये है साउथ कोरिया की, आप इनका नाम याद रख सकते हो, मीना, आप मीना कुमारी से याद रख लेना, मीना से याद रखना, मीना सुई चोए, आप सुई चोए तो याद नहीं रख पाओगे, सिर्फ आप मीना याद रख लेना तो आपका काम हो जाएगा। उर्वशी रोटाला नहीं है, किम ली कोई नहीं है, बस आप मीना जी को याद रख लेना, ठीक है। मिस फायर किसको मिला है? मिस फायर एंड्रेला एग्रियुला कोलंबिया की, मिस वाटर नदीन अयूब श्रीदा, ये तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है, बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मिस अर्थ इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्पिरिचुअल लीडर हैज बीन अवार्डेड एज द एमिस्ट्री पीस अवार्ड? अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए CDS में बेहद इंपॉर्टेंट होता है, तो वो है अपने इंडियन स्पिरिचुअल लीडर एंड ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन श्री श्री रविशंकर जी। श्री श्री रविशंकर जी को अवार्ड मिला है एमिसरी पीस अवार्ड, ये किसने दिया है? नेशनल सिविल राइट म्यूजियम इन द US सिटी ऑफ मैमथ PG, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रख सकते हो, किनको मिला है? श्री श्री रविशंकर जी को। 12th क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल लूजा फोन फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन, कहाँ पे हो रहा है ये, ठीक है, कहाँ पे होने वाला है ये? 3 से 6 दिसंबर को होगा, तो आप बोलोगे सर ये गोवा में होगा। अभी गोवा में अपन ने क्या डिस्कस करा था? IIFI, IEEFI, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो आप गोवा में होगा।
और लूसाफोन का मतलब होता क्या है? लूसाफोन का मतलब होता है लैंग्वेज इन पोर्चुगीज, लैंग्वेज ऑफ पोर्चुगीज। आपको पता है पुर्तगाल लोगों का था, गोवा में इन्फ्लुएंस था, तो अभी भी वहां पे पुर्तगाल लोग रहते हैं, तो इसलिए इंटरनेशनल लूसाफोन कहाँ पे बनाया जाता है? पोर्चुगीज में। ठीक है, तो आप ये ध्यान रख सकते हो। बेलुगा वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट मेक्स फर्स्ट अपियरेंस एट मुंबई एयरपोर्ट इज ऑफ विच कंपनी? ये कौन सी कंपनी का है बेलुगा? इसने अभी एक तो फर्स्ट चीज बताता हूं, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट है। सोचो, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट आया था अपने मुंबई में शिवाजी एयरपोर्ट में, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट में, तो ये कौन सी कंपनी का है? ये है अपना एयरबस का। ठीक है, एयरबस का। इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जो इसका शेप है ना, ये शेप है वो इसका वेल जैसा है। ठीक है, वेल जैसा, और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट है, तो आप ये बेलुगा नाम याद रख सकते हो। ठीक है, न्यूज में था, काफी न्यूज में था। आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड फर्स्ट इंट्रानेशनल वैक्सीन फॉर कोविड डेवलप्ड बाय विच कंट्री? तो ये है, करी है इनको वैक, इनको वैक। ठीक है, इनको वैक नाम है इसका, इनको वैक ये इसका नाम है। और किसने करी है? भारत बायोटेक ने, भारत बायोटेक ने किए। और ये किसने कौन सी कंट्री ने किए? अपने प्यारे भारत ने। ठीक है, तो आप ये ध्यान रख सकते हो। बस इसमें और कुछ याद नहीं रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत अभी न्यूज में है। ये रिसेंटली मोना लोआ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वॉल्केनो इरप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 38 ईयर्स। 38 सालों में फर्स्ट टाइम ये वॉल्केनो इरप्ट हो चुका है। तो ये कहाँ पे है लोकेटेड? ये लोकेटेड है हवाई में। ठीक है, ये लोकेटेड है हवाई में, तो आप ये ध्यान रखना, हवाई में लोकेटेड है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट वॉल्केनो इरप्ट है। 38 सालों में हुआ है ये, और इसके बारे में बताता हूं, लास्ट कब हुआ था ये? लास्ट हुआ था 1984 में। ठीक है, हवाई में है ये। अब आपसे पूछ लिया जाए, चलो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वॉल्केनो, अगर आपसे पूछ लिया जाए हाईएस्ट वॉल्केनो कौन सा है, हाईएस्ट वॉल्केनो, ठीक है, तो आप बोलोगे मुझे ओजस डेल, ओजस डेल सेलेडो। ये कहां पे है वॉल्केनो? आप ये ध्यान रखना बस, ये है साउथ अमेरिका में। ठीक है, आप ये चीज ध्यान रख सकते हो। अब मैं और बताता हूं आपको इसके बारे में। चलो, लास्ट डेट 1984 में हुआ था ये। अगर आपसे पूछे जाए कि हवाई का एक और वॉल्केनो मुझे याद आ रहा है, उसका नाम है मोनोकिया, मोनोकिया, अगर मोना से कुछ भी आ जाए ना, तो आप लगा देना हवाई। हवाई, हवाई कहां पे है? हवाई कहां पे लोकेटेड है? पैसिफिक ओशियन में, पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है हवाई। ठीक है, अब अगर पूछ लिया जाए, अभी रिसेंटली एक और वॉल्केनो न्यूज में था, वो कौन सा था? अपना शिवलुच। मैं शायद प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो सकता है, तो आप मैनेज करना। ये कौन, कहाँ का है? रशियन वॉल्केनो, रशियन वॉल्केनो। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी चीजें आपसे कनेक्ट करने की कोशिश की है, और एक वॉल्केनो आप और याद रख सकते हो, ये हवाई का ही है, यह है किला वियो। अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ का है, तो ये आप बोलोगे हवाई में। तो मोना से रिलेटेड कोई भी अगर वॉल्केनो आ जाए, तो आप लगाना हवाई है उसका आंसर। ठीक है ना, तो ये आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक थी। बाकी अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं डेली बेसिस पे, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, 4 सालों से आपकी सेवा में डिजायर टू लर्न। अगर आप कोई भी पीडीएफ लेना चाहते हैं एंड हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं, तो डिजायर टू लर्न टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सागर गुप्ता। और जैसा कि आपको पता है कि शादियों का सीजन चल रहा है, तो कुछ अनवांटेड नॉइज अगर पीछे आती है, तो प्लीज मुझे उसके लिए माफ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।